ये कपड़ों की शॉप है, यहाँ पर 500 की लगी हुई है जैकेटें। यहाँ पर 30% इस सेल पे लगे हुए हैं। ये नॉर्वे के झंडे की तरह का कुशन है। ये मुख्तलिफ की चेन्स हैं जिनके प्राइस आपको नज़र आ रहे हैं 50 करोड़ तक होंगे। और ये यहाँ के बहुत ही मशहूर खिलौने हैं। ये जूते, जराबे वगैरह, ये सब नॉर्वे के स्टाइल की हैं। ये पहले इस तरह की जराबें और इस तरह के शूज़ पहनते थे। ये चाय के कप लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से। इनकी प्राइस कितनी है, इनके मेंशन नहीं हुए कहाँ हुए हैं। हाँ जी, ये 150 के दो, 140 के दो कप हैं। ये बच्चियों के लिए बहुत खूबसूरत से बैग हैं। मुझे तो ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं बच्चियों के लिए। प्यारे प्यारे घोड़े बने हुए हैं, इसके प्राइस, इसके भी 150 क्रॉन का है। ये लड़कों के लिए चीज़ें हैं, गाड़ियाँ। ये भी बहुत ही खूबसूरत है। मेरी बेटी ने जैकेट खरीदी है इस वक्त, तो उसको बहुत पसंद आई, तो उसने कहा कि मैं ख़रीद लूँ। मैंने कहा चलो बेटा ख़रीदो, आप लोग अपने लिए जो ख़रीदना है। ये लॉकर्स वगैरह यहाँ लगी हुई हैं, यहीं से मैंने आकर अपने लिए भी ख़रीदी थी चीज़ें। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने लिए क्या लिया। मैंने अपने लिए लिया था, हैं भी कि नहीं, कहाँ गए, ये मैंने अपने लिए लिए थे ब्रेसलेट ली मैंने, और मैंने टॉप्स लिए अपने लिए, और चेन ली थी। ये चेन मैंने खरीदी अपने लिए। टॉप्स मुझे नज़र नहीं आ रहे जो मैंने लिए हैं, शायद नखल में बिक गए हैं सारे इनके। चलें जब पहनूंगी तो फिर दिखाऊंगी आपको जो मैंने ख़रीदे हैं। पर्स, जूते, जैकेटें, सभी अच्छे डिज़ाइनरों के कपड़े हैं ये सब यहाँ पर। ये सारी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब कांटे वगैरह लगे हुए हैं। यहाँ टॉप्स वगैरह भी, मेकअप बता दो ना, प्राइस ऊपर लिखे हुए हैं सबके। पानी की बोतलें लगी हुई हैं, ये लेटेस्ट स्टाइल की आई हुई है मार्केट में। अभी थोड़ी देर पहले भी यहाँ पर मैं आई थी, यहाँ पे गाने वगैरह चल रहे थे। यहाँ पर काफी ज्यादा अब झूले लग रहे हैं, झूले मिल रहे हैं हमें, क्योंकि पानी में ये चल रहा है जहाज, तो काफी हचकोले आ रहे हैं हमें। आप खुद देख रहे होंगे कि ये वाला भी जो ऊपर बना है ये कितना हिल रहा है। जी बेटे, अब मैं कॉफ़ी पीऊँगी क्योंकि मेरा इस वक्त दिल कर रहा है चाय पीने को। चाय तो मैं नहीं यहाँ पीऊँगी, लेकिन मैं कॉफ़ी लूँगी यहाँ से। आइसक्रीम के मुख्तलिफ फ्लेवर्स लगे हुए हैं यहाँ पर।
做的吗？ये मुख्तलिफ स्नैक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, इनकी प्राइस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। आप ऐप डाउनलोड कीजिए और उनसे आप इनकी प्राइस आसानी से खुद ही देख लीजिए, यहाँ लिखी हुई नहीं होंगी। अब ये केक्स लगे हुए हैं यहाँ पर, अब देखिए हम कौन सा केक खाते हैं और चाय पीते हैं या जूस पीते हैं या फिर कॉफ़ी पीते हैं। बच्चा मेरा शायद आइसक्रीम खाएगा। लाइबा ये कितने की है? हम इसके प्राइस 29, 39 और 49 तक है। आप भी देखो आपने कौन सी लेनी है। हैदर jag har betalt för min, han ska betala för sig själv, vuxen nog. Är det möjligt att få en kopp svart te med lite mjölk uppe? Få en kopp svart te med lite mjölk. Heder, आपने कितने दिए बेटे? कितने? 40? शेफी रेकरॉन। अच्छा, यहाँ पर इसने इतनी सी आइसक्रीम के 24 करोन दिए हैं। हाँ जी, मैं कॉफ़ी पीने लगी हूँ। मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई और बहुत ही मज़े की कॉफ़ी थी ये। ये देखिए जी, यहाँ पर भी इस टाइम पे भी औरतें अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, सिलाइयाँ इस्तेमाल कर रही हैं, स्वेटर बुन रही हैं। इस स्टैची केस में ना अंगूठियों से भरा हुआ बैग है। इतना खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, यहाँ पर इस टाइम भी सिलाइयाँ कर रही हैं यहाँ की औरतें। ये अपना टाइम ज़ाया नहीं करती हैं, यहाँ ज़्यादातर किताबें पढ़ती हैं, यहाँ स्वेटर बनाती रहती हैं। कॉफ़ी पी ली, अब हम थोड़ा आराम करके हम निकले हैं। अब नीचे एक और मंजिल की तरफ जाएंगे। इस शिप में तकरीबन 12 मंजिलें हैं। ये कैसीनो है यहाँ पर, जो लोग कैसीनो खेलना चाहते हैं वो आए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कैमरा और वीडियो बनाना मना है। छोटे बच्चे जो 18 साल से कम उम्र के हैं उनका भी मना है इसमें, लेकिन मैं बाहर से खड़े होकर ही वीडियो बनाती हूँ क्योंकि अंदर वीडियो बनाना
सख्ती से मना है। दोनों तरफ लिफ्टें लगी हुई हैं। एक बार फिर आपके लिए ये पूरा सिस्टम दिया हुआ है ताकि आप अपना रास्ता तलाश कर सकें, आपने किस शॉप पर जाना है और कौन सी मंजिल पर जाना है। मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर झटके लग रहे हैं क्योंकि अब ये खुले समंदर में शिप चल रहा है तो काफ़ी ज़्यादा झूले लगे, झूले पड़े हैं, झूले 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 आ रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे इंसान हवा में उड़ता है, कभी पांव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर इनकी प्राइस भी आ रही है कि अगर आपने ये ग्रैंड बुफे खाना है तो उसके क्या प्राइस हैं, और सुबह के नाश्ते की प्राइस भी लिखी है 174, और बच्चों के हाफ प्राइस पे हैं, और लंच के टाइमिंग जो हैं वो 1:30 से 3 बजे तक हैं, और बड़ों के लिए 200 क्रॉन तक हैं। आपको चलने के लिए काफ़ी ज़्यादा कभी ऐसा लगता है कि सहारे की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि एकदम से आप दाएं से बाएं की तरफ हो जाते हो। मेरा ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इतनी बड़ी शिप में सफ़र कर रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये इतना महंगा भी नहीं पड़ता। मुझे तकरीबन 850 या 900 के करीब हमने रूम लिया है, और इसमें खाना पीना, रिहाइश, जो खाना पीना और वाईफाई, ये सब आपको खुद यहाँ पे ख़रीदना है, ये फ्री में नहीं है। यहाँ पर हर जगह रेस्टोरेंट बने हुए हैं, आप अपना मनपसंद का खाना खाइए, जिस तरह का भी आप खाना चाहते हैं, चाहे वो सस्ता खाना चाहते हैं, महंगा खाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये टैक्स फ्री में आती हैं चीज़ें, तो नॉर्मल प्राइस से कम प्राइस हैं, यहाँ पर इतनी महंगी नहीं है। ये देखिए कितना खूबसूरत फानूस लगा हुआ है। तो हमने आज सुशी खाई, काफ़ी मज़ा आया, खाने में बहुत अच्छी थी। और ये 10 बजे तक सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बंद हो जाएंगे, उतनी देर तक हमने कहा चलो सब मंजिलों पे जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। ये इसका छत देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, ये छोटे बच्चों के लिए बैग पे लगाने वाले खिलौने, या फिर ये मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेट है, ये आप अपने घर के अंदर भी डेकोरेट कर सकते हैं। ये देखिए किस कदर आपको झोल आता है कि आपको लाजमी ऐसा लगता है कि आपको सहारा चाहिए। खुले समंदर में ये जहाज चल रहा है,
اندر تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ آپ کسی جہاز میں پانی والے جہاز میں سفر کر رہے ہو. لیکن جس وقت یہ کافی اونچی اونچی لہریں اٹھتی ہیں سمندر میں تو جہاز میں کافی زیادہ جھول آتا ہے. میں بھی سہارا پکڑ کے نیچے اتر رہی ہوں کیونکہ آپ سہارے کے بغیر اتر نہیں سکتے ہو. اچھا جی, اب یہ ہم آئے ہیں یہاں پر, بچوں کی ٹیکس فری مارکیٹ ہے یہ. یہاں پر بچوں کی ٹافیاں وغیرہ اور اس طرح کی بہت ساری پیاری چیزیں ملیں گی. یہاں پر بہت اچھی پرائس میں آپ کو چاکلیٹس مل جائیں گی, جوس ملیں گے, چاکلیٹس ہیں. یہ چاکلیٹ آپ کو 3 جو ہیں وہ 99 میں ملیں گی. ان کے پرائس سامنے لکھے ہوئے ہیں. 35 کراؤن کی یہ ملے گی آپ کو ایک چاکلیٹ کا پیکٹ, یا تقریباً 3.5 یورو میں ملے گی آپ کو. یہ بسکٹ ہیں, یہ بہت ہی مشہور بسکٹ ہیں یہاں کے, اور یہ اسی طرح کے بسکٹ کا ڈبا بھی بنا ہوا ہے. پرائس اس کی 100 کراؤن لکھے ہوئے ہیں. ڈائم یہ بہت پسند کی جاتی ہے, دبئی میں بھی ملتی ہیں یہ. بچوں کے کھلونے بھی ہیں یہاں پر. جی بیٹے, میں یہ لینے لگی ہوں. اس کے پرائس آپ کو نظر آ رہے ہیں, 60 کراؤن ہے. میں سوچ رہی ہوں کہ میں کون سا باکس لوں. میرے خیال میں مجھے ریڈ میں لینا چاہیے. بچوں کے لیے کافی پیاری چیزیں لگی ہوئی ہیں, ٹافیز بھی ہیں اور ساتھ ان کے کھیلنے کی بھی چیزیں ہیں. لنچ باکس بھی ہیں اور ان کے اندر ٹافیز بھی ہیں. پرائس ان کی 60 کراؤن ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ, اس کی کیا پرائس ہے؟ یہ سب ناروے کی مشہور چاکلیٹس ہیں. 125 کراؤن کا یہ ڈبہ ہے.